अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी हर्नियाज। सो स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस दी इंग्वाइनल हर्निया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हर्नियाज। सो हर्नियाज दे आर एक्चुअली दी प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट। हर्नियाज में जो होता है वो एब्डोमिनल कंटेंट, कोई मिड गट का लूप, इस तरह से कोई चीज़ जो है ना वो प्रोट्रूड कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं किसके एक्चुअली इसके तो होते हैं हमारे पास तीन पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ द सैक ऑफ हर्निया, द सेकंड पार्ट इट इज़ द कंटेंट ऑफ हर्निया, एंड द थर्ड पार्ट इज़ द कवरिंग्स ऑफ द हर्निया। ओके, वी विल सी दीज थ्री पार्ट्स। सो सैक इट विल एक्चुअली फॉर्म बाय द प्रोट्रूजन ऑफ द पेरिटोनियम। सैक इट विल एक्चुअली द प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम। एंड द कंटेंट इट विल इंक्लूड द कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और द ओमेंटम, स्मॉल इंटेस्टाइन और the omentum. These will be the contents of the hernias and the coverings. They will be the layers of the abdominal wall. यही जो लेयर्स होंगे वही जो है वो हर्नियाज की कवरिंग भी होगी। ठीक है, अब सर इसकी एक छोटी सी सिंपल से मैं आपको डायग्राम अगर मैं बनाकर दिखाऊँ ना, तो ये कुछ इस तरह से है हमारे पास। ये ऐसे एक आउट पाउचिंग से निकली होती है बॉडी में। ठीक है, तो ये आप सपोज करें ये एक जो लूप है बट का, ठीक है, तो अब आप ये देखें ये जो अंदर ये जो ब्लैक कलर में दिखाया ना ये वाला दिस वन, ये होगा इसका हर्निया का कंटेंट, जो कि लूप है या कोई स्मॉल इंटेस्टाइन या ओमेंटम का कोई पार्ट निकला हुआ। ठीक है, तो ये बाई वाली इसकी कवरिंग्स होंगी। ठीक है, और ये जो सेंटर पे है ये जो होगा इसका सैक ऑफ द हर्निया। तो ये था इसके बेसिक से तीन पार्ट्स, जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप देखेंगे तो सब हर्नियाज के ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ द हर्निया। तो टाइप्स में पहले हमारे पास इसकी जो मेजर क्लासिफिकेशन इज इंटरनल हर्निया और द एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्नियाज, तो ये जो इंटरनल हर्नियाज है ना, दे विल बी द प्रोट्रूजन प्रेजेंट विद इन द पेरिटोनियम, प्रोट्रूजन विद इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के अंदर ही प्रोट्रूजन हो रही होती है। ठीक है, और इसके अगर हम एग्जांपल्स लेने चाहिए तो हमारे पास आता है जी हर्नियाज इन दी ओमेंटल फोरामेन, जो कि एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हर्निया ऑफ ओमेंटल फोरामेन। ठीक है, सेकंड जो इसकी टाइप है जो मेन देखेंगे वो होती है जी एक्सटर्नल हर्नियाज। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि दे विल बी प्रेजेंट प्रोट्रूजन आउटसाइड द एब्डोमिनल वॉल। ओके, प्रोट्रूजन थ्रू एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल में से प्रोट्रूजन हो रही है, मतलब उससे भी बाहर निकल रही है, वो होंगी एक्सटर्नल हर्निया। और एक्सटर्नल के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास काफ़ी एग्जांपल लाइक अम्ब्लाइकल हर्निया, फिर आती है जी पैरा अम्ब्लाइकल हर्निया, देन हमारे पास आ जाती है जी फेमरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फिर हमारे पास आती हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अभी इन सबको हम डिटेल में भी देखेंगे कि ये क्या होती हैं, पहले तो मैं आपको इनकी नेम्स बता दूँ। फिर हमारे पास आता है जी डाइवर्केशन ऑफ रेक्टाई, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी इंसीजनल हर्नियाज, देन लंबर हर्निया, और जो लास्ट एक इसकी एग्जांपल है वो है जी हमारे पास स्पाइजेलियन हर्निया।
तो ये कुछ टाइप्स ही एक्सटर्नल हर्नियाज की, इनको हम जो है वन बाय वन देखते हैं कहाँ कहाँ ये होती हैं। अम्बिलिकल आपको देखिए नाम पता लगे, इट विल बी अराउंड द अम्बिलिकस, ठीक है, और ये होती के साथ इट विल बी ड्यू टू द नॉन रिटर्न ऑफ द मिड गट लूप बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि मिड गट के लूप की प्रोट्रूजन से हो रही होती है, प्रोट्रूजन ऑफ मिड गट लूप। फिर सेकंड पैरा अम्बिलिकल, मतलब कि वो अम्बिलिकस के अराउंड कहीं पे होंगे, ठीक है ना। इट विल द प्रोट्रूजन ऑफ द लूप थ्रू द लीनियर एल्बा, क्योंकि लीनियर एल्बा भी तो वही अम्बिलिकस का अराउंड ही पड़ाता है सेंटर पे आके, तो ये वही है कि प्रोट्रूजन ऑफ द लूप थ्रू द लीनियर एल्बा अराउंड द अम्बिलिकस, प्रोट्रूजन थ्रू लीनियर एल्बा अराउंड अम्बिलिकस। फिर फेमिनल हर्निया, तो ये होगी जी प्रोट्रूजन ऑफ द लूप इन द फेमिनल ट्रायंगल, कि फेमिनल ट्रायंगल में होगी ये जो है वो हमने लोअर लिम का तभी डिस्कस किया था फेमिनल हर्नियास। फिर है जी इंग्वाइनल हर्नियास, तो ये होगी जी प्रोट्रूजन लूप होगी इंग्वाइनल वॉल या इंग्वाइनल कैनाल में, इसको जो है वो नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे इंग्वाइनल हर्नियास को, प्रोट्रूजन इन द इंग्वाइनल कैनाल और दी इंग्वाइनल वॉल में प्रोट्रूजन हो जाए। फिर है जी एपिगैस्ट्रिक, तो एपिगैस्ट्रिक फोसा कहाँ पे होता है, जैसे जहाँ पे हमारी जो स्टर्नम का जीव फोइड प्रोसेस है ना, तो उसके नीचे होता है एपिगैस्ट्रिक फोसा, तो ये जो एपिगैस्ट्रिक फोसा में जो हर्निया होगी ना उसको हम कहेंगे एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो देयर इज अ प्रोट्रूजन थ्रू दी अपर वाइड पार्ट ऑफ लीनियर एल्बा, क्योंकि लीनियर एल्बा सेंटर में जो होता है ना बिल्कुल, उसको जो अपर पार्ट है वो एपिगैस्ट्रिक फोसा में होता है, तो ये वही है प्रोट्रूजन इन अपर वाइड पार्ट ऑफ लीनिया एल्बा। अभी इनको ना हम सबको डायग्राम में देखेंगे, फिर आपको इनकी लोकेशन क्यों अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिर आज डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, इसका मतलब क्या, मतलब कि जो दोनों साइड्स के रेक्टाई मसल इस तरह मिल रहे थे ना रेक्टस एब्डोमिनस, वो इससे थोड़े से सेपरेट हो जाएगी दूसरे से। तो ये किन में, ये मल्टीपैरस फीमेल्स, मतलब कि जिनमें मल्टीपल बर्थ्स हो चुकी हैं, लाइक 5 से ज़्यादा बर्थ्स हो चुकी हैं, तो फिर उनमें ये हो जाए डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, उनके रेक्टाई मसल अलग हो जाते हैं और वहाँ से हर्निया हो जाता है। याद है अक्कर्स इन मल्टीपैरस फीमेल, उसके बाद है इंसीजनल हर्निया, मतलब कि कोई किसी भी सर्जरी के अंदर कोई इंसीजन दिया वहां से हर्निया हो गया, अक्कर्स बाय इंसीजन इन सर्जरी। फिर आते हैं हमारे पास लंबर हर्नियास, तो ये है जी हर्नियास इन द लंबर ट्रायंगल, और से द प्रोट्रूजन इन लंबर ट्रायंगल, ये लंबर ट्रायंगल जो है वो पोस्टीरियर लेटरली पड़ी हुई बॉडी में, भी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो फिर होती है लास्ट हमारे पास स्पाइजिलियन हर्निया, तो स्पाइजिलियन हर्निया ये होंगे बिटवीन द टू गैप्स ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, स्लाइटली अबव द आर्कुएट लाइन इन द स्पाइजिलियन, स्पाइजिलियन रीजन में आपको दिखाता हूँ डायग्राम में कौन सा था, अभी आप इसको सिर्फ याद रखें ये कहाँ पे हो रही है, प्रोट्रूजन थ्रू टू गैप्स ऑफ एब्डोमिनल मसल स्लाइटली अबव आर्कुएट लाइन। अब जरा इनको हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर ताकि ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़। ये जरा मैं यहाँ पे एक बॉडी ड्रॉ करूँगा पहले, ठीक है, तो ये मैंने बॉडी ड्रॉ की है। अगर इसकी हम देखें स्टर्नम, तो ये कुछ इस तरह से पड़ी होगी, ठीक है, ये रही पहली हर्निया थी हमारे पास अम्बिलिकल हर्निया, मतलब कि बिल्कुल सेंटर पे आएगी, इस पॉइंट पर हमारी अम्बिलिकस पड़ी होती है, तो ये होगी हमारे पास कौन सी हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। फिर नेक्स्ट थी पैरा अम्बिलिकल, मतलब कि अराउंड द अम्बिलिकस, तो ये कुछ इस तरह से पड़ी, ये हमारे पास आ गई पैरा अम्बिलिकल हर्निया। देन वी सी द फेमिनल हर्निया, उसी तरह हम यहाँ पे जो है वो हिप बोन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हिप बोन कुछ इस शेप की होती है,
हल्की सी मैं ड्रॉ करूँगा ताकि वो क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये कुछ हमारे पास पड़ी हुई है हिप बोन, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास फेमोरल रीजन, ये हमारे पास आ जाएगी पॉइंट ऑफ द फेमोरल हर्निया। फिर इंग्वाइनल हर्निया, तो ये इसी ऊपर इंग्वाइनल रीजन में आ जाएगी, इधर आ गई इंग्वाइनल हर्निया। फिर आती है एपिगैस्ट्रिक, बिल्कुल स्टर्नम के नीचे इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे Z4 प्रोसेस है, ये इस पॉइंट पे होगी एपिगैस्ट्रिक हर्निया। देन इज डाइवर्केशन ऑफ द रेक्टाइल मसल्स। तो इसका ही देखें, ये है जी एक साइड का रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये पड़ा हुआ, ये इधर से आ गया दूसरी साइड का रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये आपस में साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जिनमें अब यहाँ पे इस तरह से जो खुल चुके होंगे, जब ये देखेंगे ये एक गैप बन गया मल्टीपेरस फीमेल के अंदर, ठीक है। तो इस गैप से जो हर्नियाज होंगे ना, उनको हम कहेंगे जी डाइवर्केशन ऑफ रेक्टाई। फिर इंसीजनल हर्निया, वो तो कहीं भी जहाँ पर सर्जरी होगी वहाँ पर आ सकती हैं। फिर लंबर हर्नियाज, तो लंबर हर्निया मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं पोस्टीरियर लेटरल साइड पर, मतलब कि ये पोस्टीरियर साइड पर ना बॉडी की कुछ यहाँ पर आगे पड़ी होंगी इन ये लंबर हर्निया। और लास्ट पाइजिलियन हर्निया बिटवीन देल बी बिटवीन द रेक्टाइल मसल एंड द लेटरल मसल, यहाँ से स्टार्ट होंगे लेटरल मसल ऑफ द बॉडी, ये है रेक्टाइल मसल्स। तो इन दोनों के दरमियान से प्रोट्रूड करके ये होता है स्पाइजिलियन रीजन। तो ये स्पाइजिलियन रीजन में बिलो द आर्कुलेट लाइन निकले होते हैं, उनको हम कह रहे थे स्पाइजिलियन हर्निया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हर्नियाज के सारे टाइप, अब जो है वो हम डिटेल में आएंगे इसके ऊपर इंग्वाइनल हर्नियाज के ऊपर। इंग्वाइनल हर्निया पीछे देखे हैं कि इंग्वाइनल रीजन के अंदर हो रही थी इंग्वाइनल हर्नियाज, ठीक है। इसकी होती है हमारे पास दो टाइप, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होगा, प्रोट्रूजन अकर्स बाय द वीक एंटीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, प्रोट्रूजन अकर बाय वीक एंटीरियर वॉल इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल की जो है ना वीक एंटीरियर वॉल, वहाँ से प्रोट्रूजन हो रही होगी या फिर हो रही होगी हैजल बेल्ज ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये तो वो होगी हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, यहाँ से हम कहेंगे जी एक्वायर्ड। सेकंड इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, या फिर होती है वो कंजेनिटल। तो इनडायरेक्ट क्या होगी, दे विल प्रोट्रूजन थ्रू द डीप इंग्वाइनल वॉल, इंग्वाइनल कैनाल और द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इनटू स्क्रूटम, मतलब स्क्रूटम के अंदर जा रही होगी। प्रोट्रूजन अकर्स बाय द डीप इंग्वाइनल रिंग द इंग्वाइनल कैनाल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इनटू द स्क्रूटम, मतलब ये इन तमाम स्ट्रक्चर में से हर्निया होकर स्क्रूटम के अंदर जा भी रही है वो इनडायरेक्ट होंगी, जो स्क्रूटम में नहीं जा रही है या रेयरली जा रही है वो डायरेक्ट होंगी। ये मैंने एक जो है वो टेबल बनाया हुआ था इन दोनों के डिफरेंसेस का, तो इसको आप देख लें कि पहले जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब कि इसका कॉज क्या है, तो डायरेक्ट का कॉज क्या है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस है। इनडायरेक्ट का कॉज क्या है, जो रिमेन्स होती है प्रोसेसिस वेजिनेलस की रिमेन से होगा। ये क्या होता है, ये एक्चुअली जो है ना आउटपाउचिंग होती है पैरेटल पेरिटोनियम की ड्यूरिंग द 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये आप एम्ब्रियो में डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी रिमेन्स अगर रहती है तो उसकी वजह से हो सकती है हमारे पास इनडायरेक्ट हर्नियाज। फ्रीक्वेंसी देखिए, मतलब कि तो डायरेक्ट जो होती है वो 1/3 और इनडायरेक्ट मतलब ये कॉमन होती है ज़्यादा कि 2/3 यही होती हैं। फिर कवरिंग, मतलब कि इनसाइड से आउटसाइड अगर मतलब देखें हर्निया के जो पाउच उसकी कवरिंग्स क्या है, तो डायरेक्ट में बस होती हैं जी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज है, फिर ट्रांसवर्सलिस फेशिया है। फिर यहाँ पे जाकर देखें ये ज़्यादा डिफरेंस आ गई इन दोनों में क्या, कि अगर हम उसको लेटरली देखेंगे तो क्रीमेस्टारिक फेशिया और मिडली हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन, ये जो है ये दो मसल का टेंडन ज्वाइन होकर बनाता है कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और फिर स्किन आ जाएगी सिंपल। यहाँ पे देखिए आप एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज होंगे इनडायरेक्ट में, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रिमेस्टारिक फेशिया, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एंड देन स्किन। तो ये इसकी है जी इनडायरेक्ट की कवरिंग्स है। फिर अगर कोर्स देखें इसका, तो जो होगी ना डायरेक्ट हर्निया, इट विल पास थ्रू द मीडियल थर्ड ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल पैरेलल टू द प्रोसेस वेजिनेलिस, मतलब कि इंग्वाइनल कैनाल के मीडियल थर्ड से पास कर रहा होगा और प्रोसेस वेजिनेलिस के पैरेलल पड़ा होगा। लेकिन अब इसको देखें तो ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से पास करेगा और प्रोसेस वेजिनेलिस के भी अंदर से पास करेगा, वो उसके मीडियल थर्ड से पास कर रहा था और उसके पैरेलल था और ये इन दोनों के अंदर से पास कर रहा है।
फिर है एग्जिट फ्रॉम दी एंटीरियर एब्डोमिनल, मतलब कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स है वो एग्जिट कहाँ से करेगा, तो जो जो डायरेक्ट है ना ये भी एग्जिट करेगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से और इनडायरेक्ट भी। लेकिन आगे डिफरेंस क्या है कि सुपरफिशियल लेटरल टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इट विल रेयरली एंटर स्क्रूटम, मतलब कि स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेटरल प्रेजेंट होगी और बहुत कम किसी में स्क्रूटम एंटर करेगी। लेकिन इसमें क्या है कि इट विल बी प्रेजेंट इन साइड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इट विल एंटर द स्क्रूटम, कि ये उसकी होगी भी इन साइड और एंटर भी और ये स्क्रूटम के अंदर भी जाएगी। और लास्ट पॉइंट मतलब अब हम ये कि वो फिजिकल अपेयरेंस कैसी उसकी हो सकती है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो है जी स्टैंडिंग पे। ऑन स्टैंडिंग जब वो जो पेशेंट खड़ा होगा ना, तो जो अगर तो डायरेक्ट हर्निया था ना तो वो जो है वो एक पाउची फॉर्म में बाहर निकलेगी बॉडी के ऊपर, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो पाउची फॉर्म में बाहर नहीं आएगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इसके बारे में, आप इसकी अच्छी तरह से याद कर लें। तो हमने ये देख लिया इंग्वाइनल हर्निया को भी डिटेल के अंदर, होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी किसी पॉइंट की नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।